बीते दिन पहले भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मुंबई में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करके किया गया। इस बर्थडे पार्टी में इंडस्ट्री के काफी सारे फिल्म मेकर्स, काफी सारे तकनीशियंस और काफी सारे कलाकार भी दिखाई दिए। लेकिन जो लोग फिल्म के कारण नहीं पहुंच पाए, उन लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए, फोन कॉल्स के जरिए, इंटरव्यू के जरिए बधाई दी है खेसारी लाल को। हाल ही में इंडस्ट्री की लूलिया गर्ल निधि झा ने भी खेसारी लाल को बधाई दी। जब दोनों के साथ में फिल्म करने के बाद पूछा गया तो आप लोग जानते होंगे खेसारी लाल के साथ निधि झा कभी नजर नहीं आई हैं, लेकिन पवन सिंह के साथ उनकी जोड़ी काफ़ी हिट मानी जाती है। हाल ही में पवन सिंह के साथ उन्होंने क्रैक फाइटर फिल्म की शूटिंग पूरी की और फिल्म के सेट से लौटते ही उन्होंने अपने इंटरव्यू में पवन सिंह की खूब सारी तारीफें भी की हैं। खेसारी लाल से निधि झा की अच्छी दोस्ती है, दोनों को कई इवेंट में साथ देखा गया है, लेकिन फिल्मों में अभी तक दोनों साथ नजर नहीं आए हैं। जब यही सवाल निधि झा से पूछा गया उनके इंटरव्यू में कि आप कब खेसारी के साथ फिल्म करेंगी, तो निधि झा ने बताया कि हम दोनों ने हाल ही में एक साथ फिल्म साइन की थी, लेकिन फिल्म की डेट ना मिलने की वजह से हम दोनों उस फिल्म को नहीं कर पाए। मैं चाहती हूं कि जिस तरह से पवन सिंह के साथ, पवन जी के साथ में धमाकेदार एंट्री हुई थी मेरी और लोगों ने पसंद किया था, मैं वैसे ही कुछ धमाका लेकर खेसारी लाल के साथ भी आना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि खेसारी लाल के साथ भी जब मैं दर्शकों के बीच आऊं तो वो जोड़ी सुपरहिट हो जाए। मुझे उनके साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, और मैं चाहती हूं कि मैं जिसके साथ भी काम करूं हमेशा लोग मुझे उस जोड़ी के रूप में पसंद करें ही करें, चाहे फिर वो कोई भी कलाकार हो। खेसारी लाल के साथ भी मैं उम्मीद करती हूं आगे आने वाले दिनों में मैं बहुत बड़ा धमाका आप लोगों के बीच लेकर आने वाली हूं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।